हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन आज हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की थर्ड क्लास है अगर आपने पुरानी दो क्लासेस ना देखी हो तो पहले उनको जरूर देख लें क्योंकि उसमें हमने बेसिक भी डिस्कस किया है और बेसिक uh, क्वेश्चंस हमने काफी टाइप्स के उसमें डिस्कस किए हैं राइट तो ये तीनों वीडियोज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सो so मेक श्योर sure तीनों वीडियोज आप इसमें देखो ओके राइट सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन से कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं uh, हम राइट right? और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन फेसिंग नॉर्थ ठीक है तो सबसे पहले देखिए लोग कितने हैं सात लोग हैं नॉर्थ की तरफ देखने है. कुछ क्लूज हमारे पास गिवन है एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई ठीक है ना E के इमीडिएट राइट में हमारे पास कौन है ठीक है तो यहाँ पे आ जाएंगे ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी जी के फोर्थ राइट right में ई e है तो जी हमारा इस साइड आएगा राइट right, ये जी का फर्स्ट राइट right हो गया ये जी का सेकंड राइट right हो गया और जी का हमारे पास ये थर्ड राइट right हो गया और फोर्थ राइट right में ई e है ओके okay? ओके okay, तो देखिए अभी तक हमारे पास कितने लोग यहाँ पे हो गए छह लोग राइट right? एक दो तीन चार पांच छो और एक पर्सन अभी और है वो तो जहां तो इस साइड आएगा या फिर उस साइड आएगा सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी बी इज राइट साइड ऑफ जी बी जो है वो जी की राइट साइड में है Okay. The person हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द ends। जो पर्सन डी के थर्ड लेफ्ट में है वो किसी एंड पे होगा ओके okay. तो इसमें देखो आपके दिमाग में जो है दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, हो सकता है डी यहाँ पे हो ठीक है ना यहाँ पे और डी का थर्ड लेफ्ट क्या है वन टू थ्री ठीक है तो हो सकता है कि जी किसी एंड पे हो और अगर डी आप यहाँ लेते हो तो डी का थर्ड लेफ्ट जो है वो कौन सा होगा वन टू थ्री हो सकता है यहाँ पे जो पर्सन है वो एंड पे हो ठीक है तो दोनों पॉसिबिलिटीज लेके देख लेते हैं तो नंबर वन केस पे हम D को इधर ले लेते हैं ओके okay. उसके बाद आप कौन सी लाइन इसमें यूज कर सकते हो बी इज राइट साइड ऑफ जी ठीक है ना ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं हम सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी सी नेबर है बी एंड डी का इसके बाद सी बीच में आएगा ठीक है यहाँ पे बी एंड डी ओके और uh, इसमें और हमें क्या दे रखा है ठीक है अभी तक छह लोग हुए हमारे पास ठीक है ना एक पर्सन अभी बाकी है ओके और वो पर्सन कौन सा है ए ठीक है तो ए ए के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है तो यहाँ से हमने जो पॉसिबिलिटी ली थी उसमें जी इस एंड पे था मतलब ए जो है वो यहाँ पे होगा ठीक है तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है देखिए इसमें कुछ अड़चन नहीं आई राइट इसका मतलब यही केस हमारा सही है ओके okay. जो कम्सन आप कंप्लीट हो जाए राइट right? मतलब कि उसमें कुछ आपको ये नहीं देखने को मिल रहा है कि कुछ इसमें डाउट आ रही है जो कुछ भी मतलब वो सही है राइट सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए ए की पोजीशन क्या है एक्सट्रीम राइट ओके ऑप्शन कौन सा जाएगा? आ जाएगा डी आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं है वो हमें बताना है देखिए कौन सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई e है ठीक है नो no. क्योंकि डी के जो है इमीडिएट राइट right में ई e है नॉट के इमीडिएट लेफ्ट में ठीक है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी गलत निकली बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है ओके okay? फर्स्ट में अगर गलत है तो बाकी जो है आ, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है चेक करने की okay? आगे बढ़ते हैं हु आर द नेबर्स ऑफ बी ठीक है बी के नेबर्स कौन है जी एंड सी तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी सी के लेफ्ट में कौन है ठीक है तो देखते हैं सी के लेफ्ट में कौन है सी के लेफ्ट में आपको बी भी दिख रहा है जी भी दिख रहा है ठीक है देखते हैं ऑप्शन क्या है तो यहाँ पे देखिए जी एंड बी ठीक है ऑप्शन क्या जाएगा सी ठीक है आप देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया मैं चाहती कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि इसका आंसर आपका फिफ्थ का कौन सा बन रहा है राइट चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं एट फ्रेंड्स हमारे पास कहाँ बैठे हैं सर्कल में फेस कहाँ सेंटर की तरफ ठीक है डायग्राम बनाए एट पीपल की ठीक है एट पीपल की डायग्राम हमारी बन जाएगी इस तरीके से राइट हम स्टार्ट हमेशा इस पॉइंट से करेंगे ठीक है फर्स्ट लाइन क्या है राइट ऑफ क्यू क्यू यहाँ पे ले लेते हैं क्यू uh, के थर्ड राइट right में वी है ना तो ये 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 फर्स्ट राइट 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 हो हो गया ये second right हो गया सेकंड और थर्ड right में भी है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर ठीक है जब भी एंड आ जाइए फर्स्ट पर्सन की बात चल रही होती है तो वी जो है वो आर के सेकेंड लेफ्ट में है मतलब आर यहाँ पे होगा तभी तो ये फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में वी है ओके क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी क्यू जो है वो टी के सेकंड लेफ्ट में है तो टी आपका यहाँ पे आएगा तभी तो उसके सेकंड लेफ्ट में में आएगा पे एंड एंड मतलब Q के बारे में बात की है इमीडिएट राइट ऑफ एस क्यू जो है वो एस के इमीडिएट राइट right में एस के इमीडिएट राइट right में क्यू आ गया ठीक है देखिए तो आठ में से पांच परसेंट फिल हो चुके हैं बस तीन बाकी हैं यू इज बिटवीन क्यू एंड टी ठीक है यू जो है वो किसके बीच में है क्यू एंड टी के बीच में तो यू आपका यहाँ पे आ जाएगा P is not at the left of R. P जो है वो R के लेफ्ट साइड नहीं है मतलब वो R के राइट में होगा P यहाँ पे होगा ठीक है अब देखिए कौन सा पर्सन यहाँ पे बाकी है W दिख रहा है यहाँ पे बाकी तो ये अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट होगी राइट देखो एक ही पॉसिबिलिटी में आपका आंसर आ रहा है आपको ऐसा नहीं कि दो डायग्राम बनानी पड़ी ठीक है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपकी एक ही पॉसिबिलिटी से सॉल्व हो जाएंगे राइट हु इज एक्जेक्टली एट द लेफ्ट ऑफ एस एस के एक्टली exactly लेफ्ट में कौन है पी ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है आगे देखिए हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी टी के सेकंड राइट right में कौन है डब्ल्यू फर्स्ट राइट में ये सेकंड राइट right में ठीक है तो देखिए जो भी क्वेश्चन इस पे होंगे आप आराम से जो है वो इसको कर सकते हैं ना ये ये भी ये भी उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है इसमें पे आपको पेयर दे रखे हैं दो दो दे रखे हैं ठीक है क्या बोला हुआ है फर्स्ट पर्सन सिट एग्जैक्टली राइट ऑफ सेकंड पर्सन ठीक है ना देखिए ये फर्स्ट पर्सन है ये सेकंड पर्सन जैसे यू और टी की बात करते हैं ना तो क्या बोला कि सेकंड पर्सन के जो है एग्जैक्टली exactly राइट right में है ना सेकंड पर्सन के राइट right में फर्स्ट पर्सन कौन से में बैठा हुआ है ना तो क्या टी के इमीडिएट राइट right में यू बैठा हुआ है ठीक है डायग्राम पे चलते हैं क्या नो no, वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है ठीक है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर का क्या इसमें क्या बोलोगे आप डब्ल्यू आर क्या आर के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है नो आर के इमीडिएट राइट right में डब्ल्यू है ठीक है डब्ल्यू टी ठीक है डब्ल्यू टी तो इसमें तो गैप काफी है ठीक है मतलब आंसर हमारा वीटी ही होगा एक बार चेक भी कर लेते हैं वी टी, क्या टी के है? क्वेश्चन था आपका इस पे, पे बेस्ड थे ओके एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ डब्ल्यू आप बता सकते हैं डायग्राम को के ठीक है मैं कि ये क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करना ठीक है और मुझे आंसर बताना इसका कितना आ रहा है ओके सभी ट्राई करना इसको ओके okay. नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है ये हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है एट पर्सन पी क्यू आर एस टी यू बी आर सिटिंग अराउंड स्केयर टेबल ठीक है सबसे पहले स्केयर बना लीजिए और एट पर्सन बैठे हुए हैं क्या फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ अंदर की तरफ देख रहे हैं टू पर्सन सिट ऑन ईच साइड हर साइड पे दो पर्सन है ठीक है ऐसे डायग्राम बन जाएगी हमारी ओके

क्यू इज इन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एंड ऑन द सेम साइड ओके और इसमें और क्या दे रखा हमें क्यू एंड वी आर नॉट एडजस्टेड ठीक है ये सारी चीजें हमें दे रखी है ओके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है uh, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते uh, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी ठीक है वी के थर्ड राइट right में यू है तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो मैं नीचे वाली साइड ले रही हूँ तो वी मैं यहाँ पे ले रही हूँ ठीक है हम वी यहाँ पे भी ले सकते हैं ना

ठीक है वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एस यू एंड एस के बीच में एक पर्सन है एस एडजस्टेंड नहीं है B के, मतलब एस दूसरी साइड आएगा ठीक है एस आपका यहाँ आ जाएगा ठीक है और इस साइड से एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा ओके टी हैज थ्री मोर फेन फोन्स देन आर ठीक है जो टी है उसके पास थ्री ज्यादा फोन है आर से ठीक है ना तो ये हम साइड में एक इंफॉर्मेशन लिख देते हैं Q sits to the immediate left ऑफ आर एंड ऑन द सेम साइड दोनों सेम साइड में है और आर के है। सेम साइड जो खाली है वो हमारे पास यही बचती है मतलब आर हमारा यहाँ पेफ्ट में क्यू हमारा अगर इसकी बात करें तो यही सेम साइड वो यही बचती है तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा आर के immediate लेफ्ट में क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा ओके उसके बाद क्या है क्यू एंड वी आर नॉट एडजस्ट टू ईच अदर ठीक है क्यू और वी एक साथ नहीं है ओके एंड टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी टी जो है वो सेकेंड है लेफ्ट ऑफ पी से ओके okay. uh, तो यहाँ पे अगर आप देखें uh, इसने बोला था कि Q एंड V एडजस्टेंट नहीं है यहाँ पे देखो एडजस्टेंट आ रहे हैं मतलब ये डायग्राम हमारी गलत है ठीक है तो ये डायग्राम हमारी सही है अभी तक हमने आठ में से पांच लोग बिठा लिए हैं सिर्फ तीन बाकी हैं तो उनको भी बिठाते हैं T सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P ठीक है P के सेकेंड लेफ्ट में हमारे पास टी है देखिए अगर आप पी को यहां रखते हो तो सेकंड लेफ्ट में ऑलरेडी वी यहाँ बैठा है ना तो पी को आपको यहां रखना पड़ेगा तभी तो सेकंड लेफ्ट में ये जो जगह खाली है वहां पे टी आएगा ठीक है ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और पी के पास कितने फोन है सिक्स फोन ओके ओके उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक जगह बची है तो वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा ना क्योंकि वही बाकी है ठीक है तो हमने पीपल तो अरेंज कर लिए बट अभी हमें फोन भी देखने की कि किसके पास कितने हैं तो वी के पास हमें अभी तक पता के 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 पास चार फोन है, पी के पास 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 चार दो फोन नहीं है And has one more phone than Q. के पास जो है क्यू से एक ज्यादा फोन है ओके okay? और यहाँ पे हमें ये भी देखा था कि यू के पास ऑड नंबर फोन नहीं है मतलब यू के पास इवन आएगा ठीक है इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन से हमने ढूंढना है कि किसके पास कितने होंगे ना तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आर के पास टू फोन्स नहीं है ठीक है क्या हो सकता है आर के पास वन फोन हो सकता है नो no, तो क्योंकि अगर आर के पास वन होगा तो टी के पास फोर हो जाएगा बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है वी के पास फोर है ठीक है आर के पास वन नहीं हो सकता टू नहीं हो सकता थ्री थ्री भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर थ्री हो जाएगा तो थ्री प्लस थ्री सिक्स टी के पास सिक्स आ जाएंगे बट ऑलरेडी पी के पास सिक्स है आर जो है उसके पास कितने होंगे फिर आर के पास जो पॉसिबिलिटी है वो वन भी नहीं हो सकते टू भी नहीं हो सकते थ्री भी नहीं हो सकते फोर भी नहीं हो सकते तो क्या होगा फिर फाइव होगा राइट तो आर के पास कितने होंगे हमारे पास फाइव फोन्स यहाँ पे आर की जगह आर के साइड में हम लिख देंगे फाइव और टी के पास कितने हो जाएंगे फाइव प्लस थ्री एट फोन ठीक है तो चार लोगों के फोन पता चल चुके हैं अभी बढ़ते हैं आगे ओके अब हमें ये दे रखा था कि यू के पास जो है वो ऑड नंबर फोन्स नहीं है मतलब इवन है ठीक है क्या क्या पॉसिबिलिटी है इवन में टू हो सकता है फोर हो सकता है सिक्स हो सकता है एट हो सकता है ना तो फोर भी हो चुका है सिक्स भी हो चुका है एट भी हो चुका है टू ही बचता है मतलब यू के पास कितने होंगे टू होंगे ठीक है यू हमारा कहाँ गया यहाँ पे है ना तो यू के पास टू होंगे और यू के पास एक ज्यादा फोन है क्यू से तो अगर यू के पास टू है तो क्यू के पास तो एक ही होगा ना राइट उसके बाद हमारे पास जो है अभी सिर्फ हमारे पास कौन तो सा बचा एस बचा और डब्ल्यू बचा है ना तो देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन में हमें गविन है क्या जिससे हम ये दोनों का भी निकाल पाए क्योंकि एक बार इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं ठीक है वी के पास फोर हैं ओके okay, टी के पास तीन ज्यादा हैं आर से आ, राइट टी के पास जो है वो सिक्स हैं आर के पास दो नहीं है यू के पास एक ज्यादा है क्यू से है तो अभी हम देखो एस और डब्ल्यू ये लेफ्ट है ना तो हमारे पास अभी जो लेफ्ट में ऑप्शन है वो कौन से है एक तो सेवन ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है और एक हमारे पास जो है ऑप्शन बचा हुआ है वो हमारे पास कौन सा बचा हुआ है थ्री ठीक है ना तो ये एस

ओके okay, uh, आपके कोई भी जो फ्रेंड है जिनको सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन वो भी अच्छे से इनको देख के और प्रैक्टिस कर पाए ओके सो थैंक यू ऑल